Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8. The name of the chapter is Understanding Wickedness. बच्चे अंडरस्टैंडिंग विकेडनेस मीनिंग क्या होता है. अंडरस्टैंडिंग मीन्स अंडरस्टैंड करना. विकेडनेस मीन्स कनिंगनेस. कनिंगनेस मीन्स दुष्टता. जब हम किसी का बुरा सोचते हैं दैट इज कॉल्ड विकेडनेस. नाउ कम टू दिस स्टोरी. अभी स्टोरी के थ्रू हम लर्न करेंगे व्हाट इज विकेडनेस. ठीक है. देयर आर फोर करेक्टर इन दिस स्टोरी. द फर्स्ट वन इज गूगली. गूगली कौन है बच्चे? अ बेबी स्पैरो. एंड द सेकेंड करेक्टर इज हिज मदर, मदर ऑफ गूगली. शी इज ऑल्सो स्पैरो. नेक्स्ट द थर्ड करेक्टर इज शामली, आंट शामली, हु इज अ स्क्विरल. एंड द फोर्थ करेक्टर इज एन आउल, हु इज अ वाइज और इंटेलिजेंट पर्सन. यू कैन से इंटेलिजेंट आउल. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. गूगली द बेबी स्पैरो इज अपसेट. गूगली जो कि एक बेबी स्पैरो है इज अपसेट. अपसेट मीन्स दुखी है. नाउ हियर आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो गूगली है वो एक बेबी बॉय है. हिज मदर, उसकी मदर. नाउ हिज हेयर रेफर टू गूगली. हिज मदर इज नॉट वेल. उसकी मदर वेल नहीं है. वेल मीन्स हेल्थ वाइज ओके नहीं है. शी इज सफरिंग, वे सफ़र कर रही है फ्रॉम हीट स्ट्रोक. बच्चे हीट स्ट्रोक होता है जैसे हमें देखो बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है जब समर में, स्पेशली मई और जून के मंथ में, तो हम उसको कहते हैं ना लू चल पड़ी है. तो मीन्स जब वो लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, तो बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तब उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक. तो उसकी मदर किससे सफ़र कर रही थी? हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रही है. गूगली गोज टू द नियर बाय गार्डन. गूगली जाता है एक पास के गार्डन में टू ब्रिंग, लाने के लिए सम लेमन्स, कुछ लेमन्स. टू मेक, लेमन्स होती है नींबू. टू मेक लेमनेड मीन्स लेमन वाटर बनाने के लिए फॉर हिज मदर, अपनी मदर के लिए. ओ द लेमनी स्मेल इज सो रिफ्रेशनिंग. अब मीन्स ये वर्डिंग किसने बोली? गूगली. गूगली कहता है द लेमनी स्मेल, ये जो लेमन्स की स्मेल है बहुत रिफ्रेशिंग है. आई कैन सी मैनी ग्रीन लेमन्स. आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ बहुत सारे ग्रीन लेमन्स. एंड अ फ्यू होते हैं कुछ येलो वंस, कुछ येलो कलर्स के देख सकता हूँ लेमन्स. विच वंस शुड आई पिक फॉर माई मम्मी. विच वंस मीन्स कौन सा पिक करना चाहिए मुझे. शुड मीन्स चाहिए. फॉर माई मम्मी, मुझे अपनी मम्मी के लिए कौन सा पिक करना चाहिए. आंट शामली इज हेयर. आंट शामली यहाँ है. I will ask her, मैं उससे पूछूंगा. Now her hair refers to Aunt Shamli. Googly said to himself. Googly ने खुद को कहा. Shamli a clever squirrel. Shamli जो कि clever squirrel है was already there to pick lemons. वो वहाँ पर already थी, lemons pick करने आई हुई थी. I will tell you, Googly. अब ये warning किसने कही? Now this sentence is said by Aunt Shamli. कि मैं तुम्हें बताऊंगी गूगली. पिक द ग्रीन लेमन्स, तुम ग्रीन लेमन्स पिक करो. एज या इसका मीनिंग है बिकॉज. बिकॉज दे आर राइप. राइप मीन्स पक चुके हैं. एंड वेरी जूसी, और बहुत जूसी हैं. आंट शामली एडवाइसेस गूगली. आंट शामली ने किसको एडवाइस किया? गूगली को एडवाइस किया कि वो ग्रीन लेमन्स ले क्योंकि वो पके हुए हैं और जूसी हैं. नेक्स्ट लाइन. Googly happily thanks Aunt Shamli. Googly ने बहुत खुश होकर Aunt Shamli को thanks किया. Googly holds a green lemon. Googly ने green lemon hold कर लिया, means अपने हाथ में hold कर लिया. But finds it very hard. But उसके क्या दिखा, क्या मिला? कि ये बहुत hard है. He is, वह बहुत confused. वह बहुत confused था. He remembers that the lemons people buy are yellow. रिमेंबर्स होते हैं याद करना. अब उसको याद आता है कि जो लेमन्स हैं जो लोग खरीदते हैं वो येलो कलर के होते हैं. ही लुक्स, वह देखता है अराउंड, आसपास में देखता है. एंड फाइंड्स, और पाता है आंट शामली पिकिंग ऑल द येलो वंस. कि आंट शामली तो येलो वंस पिक कर रही है, मीन्स वो तो येलो कलर के लेमन्स पिक कर रही है, और उसने मुझे तो ग्रीन वाले एडवाइस किया है. ही वंडर्स, वह हैरान हो जाता है. शी इज़ नॉट पिकिंग, वह पिकिंग पिक नहीं कर रही है, नहीं ले रही है द ग्रीन लेमन्स. वो ग्रीन लेमन्स नहीं पिक कर रही है.
Googly flies to the wise oil. Googly flies means उड़कर जाता है to wise. Wise means intelligent owl. एक intelligent owl के पास. Who is sitting? जो के who here refers to owl. Who is sitting? जो के बैठा है on the top of the tree के top पर. You can look here. Then he asks, वह पूछता है, Uncle Owlie, which lemons should I pick for mummy? Which means कौन से lemons should I pick? मुझे pick करने चाहिए मेरी मम्मी के लिए. I want to make lemonade. मैं lemonade make होता है बनाना, means lemon water बनाना चाहता हूँ for her, उस उनके लिए. She is suffering from heat stroke. वह heat stroke से suffer कर रही है. मैंने आपको already heat stroke का meaning बताया है कि वो लू से, गर्मी से suffer कर रही है. Oh yellow ones, little one, Uncle Owlie replied. Uncle Owlie ने reply किया कि आपको little one means little one आया यहाँ पे baby sparrow के लिए कि baby sparrow तुम्हें yellow ones लेने चाहिए. Yellow ones means lemon लेने चाहिए yellow color के. Googly quickly goes. Googly बहुत quickly fastly goes जाती है and जाता है and plucks two lemon ones और two yellow color के lemons pick कर लेता है. He now knows that it is important to be aware of little things. He now अब उसको पता चल गया है that it is important. ये बहुत important है to be aware होना छोटी छोटी things से. कौन सी थिंग्स है? टू अंडरस्टैंड वीकनेस, मीन्स हमें छोटी छोटी बातों की नॉलेज होनी चाहिए अगर हमें विकडनेस मीन्स दूसरों की दुष्टता को अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टूड बच्चे, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें ये मीन्स क्या सीखने को मिलता है कि हमें अवेयर रहना चाहिए छोटी छोटी थिंग्स से. अब जैसे कि बेबी जो स्पैरो है उसको ये अवेयर था कि लोग तो येलो कलर के लेमन खरीदते हैं, बट जो कनिंग स्क्विल थी उसने उसको क्या एडवाइस किया था? गलत एडवाइस किया था. मींस उसने विकनेस और कनिंगनेस से क्या एडवाइस किया उसको कि तुम ग्रीन लेमन पिक करो, बट उसने अपनी समझदारी से एक वाइज पर्सन से एडवाइस ली. सो स्टूडेंट्स, हमें छोटी छोटी थिंग्स से हमें क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.